हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारत के अनुच्छेदों के बारे में। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं या कितने आर्टिकल्स हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स गिवन हैं, तो हमें पूरे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, हम उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो ही डिस्कस करेंगे। तो उनमें से कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो देखो, जो फर्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 1 में, क्या गिवन है? अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 1 में जो भारतीय, क्या गिवन है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और रिसेंटली HCS के प्री में भी ये पूछा गया है कि जो भारत को सभी भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है भारत अर्थात इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या गिवन हो सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं भारत तथा हिंदुस्तान हो सकता है, इंडिया तथा हिंदुस्तान हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो भारतीय संविधान में भारत का जो नाम गिवन है वो है भारत अर्थात इंडिया। तो अनुच्छेद वन में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। तो देखो नेक्स्ट, देखो अनुच्छेद 2 में क्या गिवन है? भारत की संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। यानी कि जो भारतीय संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो विधि द्वारा, मतलब पूरे तौर तरीके से जैसे कि संसद में कार्रवाई की जाती है, उसके द्वारा हम नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। और ये अधिकार भारतीय संसद को के पास है, नए राज्यों की स्थापना कौन कर सकती है? भारत की संसद। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 2 कहता है। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। अब आर्टिकल 3 में क्या है? अगर कोई वर्तमान में जो राज्य हैं, वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन करना है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो ये अधिकार भी किसके पास है? भारत की संसद के पास है। और ये जो ये गिवन है, ये कौन से आर्टिकल में गिवन है? अनुच्छेद 3 में गिवन है, आर्टिकल 3 में गिवन है कि जो वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उनमें अगर हमें परिवर्तन करना है, उनके नामों में परिवर्तन करना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो ये किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? हम आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है? संसद। ये अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भारतीय संसद है वो क्या कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनका पुनर्गठन कर सकती है, या उनमें जो भी चेंजेज हैं वो अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। अब यहाँ पे क्या हुआ था 1953 में? भारतीय भाषा आधार पर क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। और भाषीय आधार पर पुनर्गठन किसके द्वारा हुआ था? यहाँ पर एक समिति बैठाई गई थी, SK धर समिति। तो क्वेश्चन आता है कि भाषीय आधार पर जो, मतलब इसकी पुनर्रक्षा के लिए कौन सी समिति आई थी? वो आई थी SK धर समिति। इन्होंने इसमें कितने सदस्य थे? इस समिति में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे SK धर अध्यक्ष थे इनके। और इन्होंने क्या कहा, ये किसकी समीक्षा कर रहे थे? भाषीय आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है या नहीं है, क्योंकि भारत, आप जानते हो भारत में बहुत भाषीय लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के जो भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन भाषाओं के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है, नए राज्यों की स्थापना करना उचित है या नहीं है, इसी पर विचार करने के लिए आई थी SK धर समिति। और बट इन्होंने जो अपनी समीक्षा करी उसके बाद इन्होंने इस मांग को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। और इसके बाद आई थी JVP समिति। JVP समिति में कौन कौन थे? नेहरू, पटेल और सीतारमैया समिति भी बोलते हैं, ये 3 व्यक्ति इसमें थे। तो इन्होंने भी भाषीय आधार पर क्या की थी? समीक्षा की थी। और इन्होंने भी मांग को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। कि उन्होंने कहा था कि भाषीय आधार पर, भारत में भाषीय आधार पर पुनर्गठन करना, राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ था? मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोगों ने श्री राममल्लु की नेतृत्व के आंदोलन क्या कर दिया? इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने जो, इनका जो अनशन है वो 58 दिन चला था, डेज चला था। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है? नेहरू घोषणा कर देते हैं 1 अक्टूबर 1953 को, घोषणा कर देते हैं कि आंध्र प्रदेश को मद्रास से क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। यानी कि वहाँ पर भाषाई आधार पर नया राज्य बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषीय आधार पर
सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, तो सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, और कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना की गई, और उस समय इसकी जो राजधानी है वो कर्नूल बनाई गई। तो भाषीय आधार पर पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को, और इसकी राजधानी कौन सी, कौन बनाई गई, कर्नूल बनाई गई उस समय। अब क्या हुआ, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ था वो 1953 में गठित हुआ था, और इसकी इसने अपनी जो रिपोर्ट है, और ये अधिनियम कब पास हुआ था, 1956 में पास हुआ था, और इसके अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार नए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से भारत में भाषाई आधार पर नए राज्यों की स्थापना हुई थी, और इसके बाद 14 नए राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद महाराष्ट्र बना था 1960 में, फिर हरियाणा भी बना था 1966 ईस्वी में, तो इसके बाद बहुत सारे राज्य बने। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो आंध्र प्रदेश से हुई, तेलुगु भाषियों ने क्या कर दिया था, अनशन कर दिया था, उसके बाद नेहरू ने घोषणा कर दी एक, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। तो यहाँ पर किस तरह से, मतलब संसद, अब जो राज्य पुनर्गठन, अब जो राज्य की स्थापना करने का जो जिम्मेदारी है वो संसद के पास है, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनका गठन कर सकती है, उनमें उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, और उन पे उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब तो ये जो अनुच्छेद हैं ये 1 से 4 अनुच्छेद में है राज्यों के आधार पर। नेक्स्ट देखो अनुच्छेद 5 से 11 में क्या गिवन है, तो अनुच्छेद 5 से 11 में गिवन है भारतीय नागरिकता, यानी कि भारतीय नागरिकता से जितने भी संबंधित अनुच्छेद हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, वो किस में गिवन है, आर्टिकल 5 to 11 में गिवन है। और सबसे पहले बात करेंगे, अब नागरिकता वर्ड आ रहा है, भारतीय नागरिकता वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि कौन भारत में किस तरह की नागरिकता है, तो भारत में है एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था। अब इस नागरिकता अधिनियम में क्या कहा गया, किस तरह से या किन व्यक्तियों को भारतीय, भारत की जो नागरिकता है वो दी जाएगी, वो इस अधिनियम में बताया गया। तो किस तरह से भारतीय लोगों को या फिर जो बाहर से आए लोगों को नागरिकता दी जा सकती है, तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता किस द्वारा प्रदान की जा सकती है भारत में। तो भारत की जो नागरिकता है सबसे पहले तो जन्म से ही मिलती है, यानी कि जो भारत में जन्म ले रहा है उसे वो भारत का सदस्य कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। तो सबसे पहले जो नागरिकता मिलेगी वो जन्म से, अगर किसी व्यक्ति का जो जन्म है वो भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, या वंश परंपरा के द्वारा, यानी कि अगर आपके माता पिता भारतीय हैं तो और आप उनकी संतान हो तो आपको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इसे कहते हैं वंश परंपरा द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट भूमि विस्तार द्वारा, यानी कि अभी जो हमारा, हमने मान लिया अभी आंध्र प्रदेश किसी और देश का हिस्सा था, लेकिन हमने क्या कर लिया, 1953 में उसे मिला लिया था अपने पास आंध्र प्रदेश को, तो उसे पहले, ये जस्ट एग्जाम्पल है, तो उसे क्या मिल जाएगी, हमने वहाँ तक भारत का विस्तार कर लिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, उसे उन जो जिस भूमि पर हमने अधिकार किया था उस उन लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी कि जो भी, मतलब भारत में जो भी जमीन, जो भी भूमि भारत में शामिल होगी उसे भी क्या, उन लोगों को भी क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये गिवन है भूमि विस्तार द्वारा। नेक्स्ट पंजीकरण द्वारा, यानी कि कोई विदेश से कोई महिला आती है और यहाँ पर उसकी शादी हो जाती है तो उसे भी क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है देशीयकरण द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा अगर कोई देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो ये थे भारत की नागरिकता अधिनियम 1955, किस तरह से, मतलब जो भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और फिर इसके बाद आया था भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। तो अगर बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 में, लेकिन इसमें जो संशोधन है, संशोधन कब हुआ था, 1986 में। और इस संशोधन में क्या क्या बातें हुई, तो इस संशोधन में क्या कहा गया, उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसके माता या पिता में से
एक क्या होना चाहिए, भारतीय जरूर होना चाहिए, उसी को क्या दी जा सकती है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और सेकंड, अगर कोई विदेश से भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत में कम 5 वर्षों तक रहना पड़ेगा। तो ये कहा गया है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में। पहले जो रहना पड़ता था उसकी अवधि थी 6 महीने, अब जो अवधि है वो 6 महीने से बढ़ाकर कितनी कर देगी, 5 साल कर दी गई। यानी कि भारत में तभी नागरिकता दी जा सकती है बाहर से आए हुए लोगों को जब वो 5 साल तक भारत में निवास कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो नागरिकता का अंत किस तरह से हो सकता है, अगर आप भारत के सदस्य हैं और आप मतलब आपकी जो नागरिकता है उसका अंत कैसे हो सकता है, ये अब हम जानेंगे। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पे नागरिकता का परित्याग करने पर, अगर आप खुद ही भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश चले जाते हो तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सेकंड, यहाँ पर देखो, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हो तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। तो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भी हमारी जो भारत की नागरिकता का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। और नेक्स्ट है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, अगर सरकार आपकी भारतीय नागरिकता को छीन लेती है तो आपको भारत का नागरिक होने का कोई भी हक नहीं है। तो ये थे हमारे मतलब किस तरह से हम अनुच्छेद 5 से 11 में भारत की को नागरिकता किस तरह से मतलब भारत कोई भी सदस्य भारत का नागरिक बन सकता है और उसकी नागरिकता किस तरह से मतलब छीनी जा सकती है, ये गिवन है आर्टिकल 5-11 में। तो आज हमने कवर किए हैं 1-11 आर्टिकल, बाकी हम 12 से जो 35 आर्टिकल्स हैं जो मौलिक अधिकार हैं वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।